तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं 5 ऐसी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जो बिल्कुल फ्री है और जो बिल्कुल इजी टू यूज़ है। क्योंकि दोस्तों फ्री का बहुत सारी सॉफ्टवेयर है, जैसे कि ओपन सोर्स हो गया, VSDC हो गया, डेविंची रिजॉल्व हो गया, लेकिन ये सब सॉफ्टवेयर आप जब यूज़ करेंगे ना तो आपको पता चलेगा ये सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव है। स्पेशली जो ओपन सोर्स या फिर VSDC के बारे में बात करूँ तो इसमें अगर आप वीडियो एडिटिंग, मैं खुद जो है इसको ट्राई किया हूँ, लेकिन इसमें जो है एडिटिंग करना ना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो आप जब एडिटिंग इसमें, अगर आप बिगिनर है, मीन्स एडिटिंग को उतना नॉलेज नहीं है आपको, तो आप जब इसमें एडिटिंग करेंगे ना तो आपको मीन्स आपको ऐसा लगेगा कि छोड़ो ये सब सॉफ्टवेयर रहने दो, हम जो है ऐप में ही जो है बहुत सारे ऐप अवेलेबल है उसमें जो है एडिटिंग कर लेते हैं, क्योंकि वो जो है इंटरफेस बहुत ही ईजी होता है और वहाँ पर जो है आप एडवांस लेवल की जो है एडिटिंग मीन्स उसमें कर सकते हैं, मीन्स आपको जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं ये सब चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए 5 ऐसी सॉफ्टवेयर लाया हूँ जो बिल्कुल ईजी टू यूज़ है और जो मोबाइल में एप्लीकेशन जैसे वगैरह जो होता है काइनमास्टर वगैरह, ये सब सॉफ्टवेयर में जो जो आप काम करते हैं ना, तो वो सब कुछ आप जो है ये सब सॉफ्टवेयर में इजी तरीके से आप जो है सब कुछ कर पाएंगे। मीन्स ये बहुत ही इजी है और कस्टमर फ्रेंडली है, और अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है अगर आप इसमें जो है आप एडवांस लेवल की एडिटिंग जो है इसमें कर पाएंगे। तो एक के बाद एक हम देख लेते हैं वो सॉफ्टवेयर कौन कौन सा है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो हम शुरू करते हैं। तो नंबर 1 जो सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा इसका नाम है मिनी टूल मूवी मेकर। तो बेसिकली ये भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर आप बोल सकते हैं, टोटली फ्री एक सॉफ्टवेयर है और बहुत ही इजी टू यूज़ है। इसका इंटरफेस के बारे में बात करूँगा तो ये आप देख सकते हैं इंटरफेस भी बहुत ही इजी है। आपको जो है इसको डाउनलोड करना है और आपको सिंपली आप जो है इसको यूज़ कर पाएंगे। और मैं जो भी सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊँगा सारे के लिंक, जो डाउनलोड लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से ईजिली जो है एक ही क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप जो है किसी वीडियो को ट्रिम करना, वीडियो को कट करना, वीडियो में थोड़ा सा इफेक्ट ऐड करना, कलर ग्रेडिंग वगैरह, या फिर ट्रांजिशन फिल्टर, या फिर ओवरलेयर, टेक्स्ट एनिमेशन, जो भी आप देना चाहते हैं इजीली आप जो है दे पाएंगे। और ये बहुत ही अच्छा सा सॉफ्टवेयर, मींस अगर आप बिगनर है, वीडियो एडिटिंग उच्चा नॉलेज नहीं है, तो आपके लिए ये बहुत ही इजी टू यूज़ होगा। मींस आपको जो है थोड़ा सा जो है इसको मींस 10-15 मिनट की ट्यूटोरियल देखकर इसको जो है सीख लेना है और आप जो इजीली किसी भी वीडियो को आप इजीली जो है एडिट, अच्छी लेवल की एडिटिंग आप जो है कर पाएंगे। तो नंबर 2 जो सॉफ्टवेयर के बारे में, इसका नाम है वीड क्लिपर वीडियो एडिटर। ये अभी मिनी टूल की तरह बहुत ही ईजी टू यूज़ एक सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर भी आप ज़्यादातर की इफेक्ट, ट्रांजिशन फिल्टर वगैरह सब कुछ जो है आप कर पाएंगे। आप अगर बिगिनर है तो भी इसका आपके लिए अच्छा है, अगर आप एडवांस लेवल की थोड़ा सा एडिटिंग कर मीन्स आपकी जो है थोड़ा सा एडिटिंग आता है आपको तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है। मीन ये जो है बेसिकली फ्री सॉफ्टवेयर है तो आप भी इसको फ्री में यूज़ कर पाएंगे और आप भी जो है अपनी वीडियो को जो है नेक्स्ट लेवल की एडिटिंग कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जो है बहुत तरह की इफेक्ट ट्रांजिशन दिया हुआ है। आप एक के बाद एक ट्राई करके आप जो है कौन से आपके लिए अच्छा होगा आप ट्राई कीजिए और अच्छी क्वालिटी की जो है वीडियो को एक एडिट कीजिए। तो नंबर 3 जो सॉफ्टवेयर को बनाऊंगा इसका नाम है कैपकार्ट। तो बेसिकली ये जो है मोबाइल के लिए अवेलेबल था, लेकिन आज की डेट में जो है कैपकार्ट बेसिकली विंडोज़ के लिए अवेलेबल है। आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में ये मिल जाएगी, अगर नहीं मिलता आपको तो मैं जो है इसका exe फाइल आपको दे दूंगा, वहाँ से जो है डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप जो है सिंपल जो है इसको डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका भी इंटरफेस आप देख सकते हैं बहुत ही ईजी टू यूज़ एक इंटरफेस है और आप जो है इसमें बहुत तरह के काम कर सकते हैं, मीन्स एडवांस लेवल की जो है एडिटिंग आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो का किसी भी यहाँ पर ड्रैग करना, या फिर ऑडियो में जो है वॉइस के अंदर इफेक्ट देना, या फिर कलर ग्रेडिंग वगैरह करना एडवांस लेवल की, जो आप सब कुछ जो है इसमें कर सकते हैं। मीन्स एक नेक्स्ट लेवल की जो है ये आप कह सकते हैं कैपकट एक एडिटर है। मीन्स अगर आपको हाईली लेवल की यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना है, फेसबुक के लिए बनाना है, तो आप जो है हाईली लेवल की एक एडिटिंग इसमें कर सकते हैं। मीन्स आपको जो है पेड सॉफ्टवेयर खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको यूज़ करके जो है ना नेक्स्ट लेवल की वीडियो को जो है एडिट कर पाएंगे। तो अगर आपको बात करूँ तो यहाँ पर देखिए आप, मैं जैसे कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना ऑप्शन मिलता है। जैसे कि मैं वीडियो में आप देख जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कितना कुछ आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगी। आपको वीडियो में बहुत तरह के ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि आज की डेट में जो होता है मोशन ट्रैकिंग वगैरह वो सब कुछ भी आप यहाँ से कर सकते हैं।
एनिमेशन वगैरह वीडियो में देना, वो सब भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर फिल्टर और स्टिकर या फिर इफेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पर इतना कुछ अवेलेबल है ना, आप जो है आपको जो रिक्वायरमेंट है सब कुछ जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और ये फ्री है, मीन्स आप इसको जो करना है आपको फ्री में आप कर पाएंगे। और यहाँ पर जो है एक्सपोर्ट आप जो है 4K तक कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर एक्सपोर्ट करने के टाइम पे यह किया होगा, यहाँ पर थोड़ा सा मीन्स वाटरमार्क इस तरह के आएंगे, ठीक है। तो आपको जो रिमूव वाटरमार्क इस पर टिक करना है, तो बेसिकली टिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लॉग इन करने को बोलेगा। सिंपल आपको लॉग इन करना है बस, अब और आपको कुछ करना नहीं है। सिंपल लॉग इन आप जब करेंगे, सिंपल बस ये वाटरमार्क रिमूव हो जाएगा और आपको कोई भी पैसा देने के नहीं देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल इसकी मदद से जो है नेक्स्ट लेवल की 4K तक जो है वीडियो को एडिट कर पाएंगे। और नंबर 4 जो वीडियो एडिटर की बात करूँ, इसका नाम है क्लिप चैम्प। आप देख सकते हैं ये भी माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में अवेलेबल है। आप इसको क्लिप चैम्प यहाँ पर सर्च करके आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, या फिर इसका भी डाउनलोड लिंक मैं यहाँ पर दे दूंगा, आप वहाँ से ही जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में इसको आपको जो है गेट पर क्लिक करना है। मेरा यहाँ पर ऑलरेडी है इसलिए ओपन आ रहा है, तो मैं सिंपल से यहाँ से जो है इसको ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं इसका भी इंटरफेस बहुत ही एक सॉफ्ट एक ईजी टू यूज़ इंटरफेस है। यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर बहुत तरह के जो है टेम्पलेट्स अवेलेबल है। मीन्स आप फेसबुक एड्स या फिर शॉर्ट्स वीडियो एडुकेशन मीन्स क्वालिटी कंटेंट बनाना चाहते हैं, ये सब कुछ जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप देख सकते हैं बहुत ही इजी टू यूज़ है। सिंपल से यहाँ पर अब मैं आपको दिखाता हूँ, इम्पोर्ट मीडिया में क्लिक करके आपको जो है किसी फाइल को यहाँ से इम्पोर्ट कर लेना है सिंपल सा। और आप जो है उसमें कुछ भी इफेक्ट जो है ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, या फिर टाइटल वगैरह ट्रांजिशन वगैरह कुछ भी है काट करना है, सब कुछ जो है आपको कर पाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर जो है रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिलता है, मीन्स अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करना है ना तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। इसकी मदद से आप जो स्क्रीन को भी अच्छी क्वालिटी के जो है रिकॉर्ड आप कर सकते हैं। और एक बात आप बोलेंगे कि यहाँ पर जो है अपग्रेड का ऑप्शन दिखा रहा है, तो ये अगर फ्री है तो अपग्रेड का ऑप्शन बेसिकली ये होता है क्या है, ट्रांजेक्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको ये कुछ जो है इफेक्ट जो है ना पेड है, इसलिए ये अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है। बेसिकली आप जो है इसमें वीडियो का अच्छी एक अच्छी क्वालिटी की एडिट फ्री में कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ जो है आपको अगर आप बहुत ही हाई लेवल की जो है करना चाहते हैं तो कुछ इफेक्ट या फिर ट्रांजिशन जो है आपको पेड करना पड़ता है। मीन्स एकदम टोटली फ्री जो है मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपको एक यूट्यूब वगैरह के लिए वीडियो बनाना है तो ठीक है, आप इसमें जो है काम चल जाएगा। मीन्स बिगिनर के लिए ये बहुत ही अच्छा है, आप इसमें कर पाएंगे। तो बेसिकली मैं अपग्रेड पे यहाँ पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर सिंपल सा जो है अपग्रेड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए वाटरमार्क आपको नहीं आएगा, सिंपल सा जो है कुछ आपको जैसे कि यहाँ पर इफेक्ट और फिल्टर में देखिए फ्री वाला आपको मिलेगा, और प्रीमियम वाला जो है आपको अगर परचेस करते हैं तो वहाँ पर जो है आपको प्रीमियम का जो इफेक्ट होता है वो पैक मिलेगा। बेसिकली ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, और आप जो है ईजिली इसको यूज़ कर पाएंगे। और आपको जब हो जाएगा तो सिंपल सा आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, और जहाँ पर आपको सेव करना है सिंपल सा आपको वहाँ पर इसको सेव करते हुए आपको मिल जाएगी। और लास्ट जो मैं एडिटर के बारे में बात करूँगा, ये बेसिकली एक ऑनलाइन मीन्स वीडियो एडिटर है। आप देख सकते हैं आपको सिर्फ गूगल पे जाके IWSTO ये आपको सर्च कर देना है, IWSTO आपको सर्च करना है, और ये जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप सिंपली अभी ट्राई करेंगे तो सिंपली यहाँ पर ट्राई पे क्लिक करना है और आपको अकाउंट सिंपल सा क्रिएट करना है। तो मैं जीमेल से यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ, और सिंपल सा लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से है। मैं किसी भी फाइल को जो है यहाँ पर मीन्स इंपोर्ट कर लेता हूँ, और देख सकते हैं यहाँ पर भी एक बहुत ही इजी टू यूज़ एक फिल्मोरा की तरह जो है एक इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर सिंपल सा ये जो है मैंने फाइल को ले आया, और यह इसको जो है मैं टाइमलाइन पे ले आता हूँ, और इसमें आप देख सकते हैं वीडियो अपनी जो है, या फिर आप साउंड को जो है सेपरेट भी कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, तरह तरह की जो है कट कर सकते हैं, या फिर फिल्टर वगैरह ट्रांजिशन सब कुछ जो है आप यहाँ पर दे सकते हैं। और टेक्स्ट में भी देखिए बहुत तरह की टेक्स्ट अवेलेबल है, या फिर स्टिकर में भी बहुत तरह की स्टिकर वगैरह सब कुछ, कलर करेक्शन वगैरह आप अगर करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। सब कुछ ऑप्शन जो है यहाँ पर अवेलेबल है। आप ऑडियो एडिट करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, और अगर आप वॉइस ओवर देना चाहते हैं तो यहाँ पर रिकॉर्ड का भी ऑप्शन है, वहाँ से भी आप रिकॉर्ड करके जो है वॉइस ओवर कर सकते हैं। और जब आपको कंप्लीट हो जाएगा सिंपल से आप एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे नाम नेम दीजिए, और आप यहाँ पे देखिए आपको 4K तक आप जो है इसको
एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर ऑप्शन है, और फ्रेम रेट भी आप 60 फ्रेम रेट तक जो है आप यहाँ पर कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पर नाम देना है, कवर फोटो देना है और आपको एक्सपोर्ट करना है, तो ये जो है माई एक्सपोर्ट सेक्शन में चल जाएगी, वहाँ से जो है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको मैंने इसको एक्सपोर्ट कर लिया और मैं यहाँ पर सिंपल से माई एक्सपोर्ट के सेक्शन में जाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मेरा माई एक्सपोर्ट के सेक्शन पे ये जो है मेरा वीडियो यहाँ पर है ऑलरेडी। मैं यहाँ पर जाता हूँ, ये देखिए सिंपल से यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, सिंपल से मैं ये पर क्लिक करता हूँ तो ये जो है डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं डाउनलोड स्टार्ट हो गया और ये मेरा फाइल मेरा पीसी पे डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आएगा, वीडियो अगर पसंद है वीडियो को जरूर लाइक करना, और इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वारीज होना तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और लास्ट, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पर डालता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।